नमस्कार, आज का टॉपिक है फ्रिज में धनिया पत्ती को कैसे स्टोर करें। तो चलिए देखते हैं, आज हम दो तरीके से बताएंगे फ्रिज। तो मैंने पत्ती को डंठल से हटा ली हूँ, ये देख सकते हो। इसमें जो भी खराब वाले पत्ते थे मैं उसको हटा ली, और ये फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। मार्केट से ख़रीदी थी तो इसमें थोड़ा सा गीला गीला था, तो मैं सूती कपड़े से इसे पोंछ ली हूँ, अच्छे से सुखा ली। अब हम इसे स्टोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए, इस तरह। आप कोई भी ले सकते हो। फिर एक टिश्यू पेपर लेके उसमें पत्ती को अच्छे से समेट लेना है, ऐसे रैप कर दीजिए। फिर इसे उल्टा करके फिर इस तरह आप रख सकते हो। ऐसे करके आपको जितने हिस्सों में रखना है वैसे आप रख सकते हो। ऐसे करके जब भर जाए कंटेनर या फिर ख़त्म हो जाए पत्तियाँ, फिर आप इसको पैक करके फ्रिज में रख सकते हो। यह पत्तियाँ कम से कम आपको एक दो महीने आराम से चल जाएंगे, बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं। दूसरी मेथड है, आप एक कॉटन की रुमाल ले लीजिए, फिर कंटेनर में डाल लीजिए। उसके बाद ऐसे पत्तियाँ को, मुझे ये दो तरीके से, ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे आपके धनिया पत्ते ज़्यादा दिन रहेगा और बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा पानी जितने भी इसमें से निकलते ये कॉटन के कपड़े से सोख लेते हैं। फिर हमें डब्बी को, कंटेनर को लगा के इसे फ्रिज में रख देना है। अगर आपको मेरे तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखे इसलिए थैंक यू।